तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रोजाना प्रयोग होने वाले कुछ सेंटेंसेस के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है आपका आई हैड ए टॉक विद हिम, मेरी उससे बात हुई, या फिर आप बोल सकते हैं मेरी उससे बात हुई थी। पास्ट की जब आप बात करेंगे कि भाई कई बार आप बोलते हैं कि मेरी उससे बात हुई थी, तो आप बोल सकते हैं आई हैड ए टॉक विद हिम इस तरह से। नेक्स्ट है मुझे शर्मिंदा मत करो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी डोंट पुट मी टू शेम, डोंट पुट मी टू शेम, मुझे शर्मिंदा मत करो। नेक्स्ट है आपका मैं आज शाम को आपसे मिलूंगा, कई बार आप अपने दोस्तों को बोलते हो कि भाई मैं आज शाम को आपको मिलूंगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई विल सी यू दिस इवनिंग, मैं आज आपसे शाम को मिलूंगा इस तरह से। नेक्स्ट है तुम इस कैमरे से फोटो कैसे लेते हो, कई बार ऐसा होता है कि आपके जो दोस्त है उसके फ़ोन का जो कैमरा है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है या फिर वो ख़राब हो जाता है, तब आप बोलते हो तुम इस कैमरे से फ़ोटो कैसे लेते हो, तो आप इंग्लिश में बोलोगे हाउ डू यू टेक फोटोज़ विद दिस कैमरा, हाउ डू यू टेक फोटोज़ विद दिस कैमरा, तुम इस कैमरे से फ़ोटो कैसे लेते हो। नेक्स्ट है माई फेथ इज़ इन योर हैंड, मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, ये तो आज का ट्रेंडिंग डायलॉग है जो कि आप इंस्टाग्राम या फिर जिस भी आप शॉर्ट स्टोरी जो ऐप को चलाते हो तो वहाँ पर कई बार आपने देखा होगा जो वीडियोज़ बनाते हैं कि अब मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, तो माई फेथ इज़ इन योर हैंड इस तरह से। नेक्स्ट है यू विल नॉट बी एबल टू डील विद हिम, तुम उससे पार नहीं पाओगे, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे सामने वाला होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और तब हमारे दोस्त कहते हैं कि तुम कुछ भी कर लो तुम उससे पार नहीं पाओगे, यू विल नॉट एबल टू डील विद हिम, यू विल नॉट बी एबल टू डील विद हिम, तुम उससे पार नहीं पाओगे इस तरह से। नेक्स्ट है एवरी मोमेंट वेटेड हेविली ऑन हिम, उसके लिए एक एक पल भारी था, कई बार ऐसा होता है कि जब आप कहीं पर इंतज़ार करते हैं और आप पर वहाँ इंतज़ार नहीं किया जाता, आप पर एक एक पल भारी रहता है, तो तब आप इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में एवरी मोमेंट वेटेड हेविली ऑन हिम इस तरह से। नेक्स्ट है रविवार को कौन सी तारीख पड़ती है, कई बार आप बोलते हो ना कि भाई रविवार को कौन सी तारीख थी या फिर रविवार को कौन सी तारीख होगी या फिर कौन सी तारीख पड़ती है, इस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हैं, तो ये हमने बोला है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। इसी तरह से आप अपने सेंटेंस को पास्ट में और फ्यूचर में ले जा सकते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब को यूज करके, विच डेट फॉल्स ऑन संडे, शनिवार को या फिर रविवार को कौन सी तारीख पड़ती है, विच डेट फॉल्स ऑन संडे। नेक्स्ट है व्हाट इज डन, इसका मतलब है जो हो गया सो हो गया, कई बार आप बोलते हैं ना जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो, व्हाट इज डन जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट है आई इन्वाइटेड हिम टू टी, मैंने उसे चाय पर बुलाया, वैसे भी सर्दियों का मौसम चल रहा है और चाय पीनी तो बहुत ज़रूरी हो जाती है वरना ठंड उतरती ही नहीं है, तो आई इन्वाइटेड हिम टू टी यानी कि मैंने चाय के लिए उसे बुलाया। तो देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज ऐसे भी होते हैं जैसी उनकी हिंदी होती है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में उनकी इंग्लिश ऐसी नहीं होती, क्योंकि हमें कभी भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, हमें उसके सेंस पर फोकस करना चाहिए। एक ही वर्ड को, एक ही सेंटेंस को आप कम से कम 7 से 8 तरीका से यूज कर सकते हैं, उसके लेवल को ऊपर नीचे या फिर किसी पर्टिकुलर वर्ड पर जो है बर्डन देने के लिए। तो इसी तरह से आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है, सिर्फ सेंटेंस को समझना है, उसके सेंस को समझना है और फिर उसे ट्रांसलेट करना है। तो आई इन्वाइटेड हिम टू टी। नेक्स्ट है द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड, यहाँ का मतलब है कि कोई बात पक्की हो गई है, कई बार ऐसा होता है ना कि भाई कहीं पर आपको जाने का प्लान होता है लेकिन तब तक बात आपकी पक्की नहीं होती, लेकिन आप घर वालों से बात करते हैं कि मेरे सारे दोस्त पिकनिक पर जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे भी भेज दो, तो आप जब बात को पक्की कर लेते हो तो तब अपने दोस्तों से बोलते हो हाँ मेरी बात पक्की हो गई, द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड इस तरह से। नेक्स्ट है He gives himself airs, इसका मतलब है वह अपने आप को कुछ समझता है, कई बार ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने आप को कुछ समझते हैं, तो वहाँ पर आपको यूज करना है He gives himself air, इस तरह से आपको यूज करना है। नेक्स्ट है He had no money, इसका मतलब है उसके पास पैसे नहीं थे, यहाँ पर देखिए हैड का मतलब है पास्ट की हम बात करेंगे कि पास्ट में उसके पास पैसे नहीं थे, यदि आपको
इसको ग्रामरली बोलना है, यदि आप ग्रामरली बोलना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने आपको स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन यदि आप इसको ग्रामर के रूप से बोलेंगे तो आप बोलोगे ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, इस तरह से बोलोगे। लेकिन यहाँ पर ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन यदि आपको ग्रामर के रूल से बोलना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, और प्रेजेंट के लिए उसके पास पैसे नहीं है ही डज नॉट हैव मनी, इस तरह से आपको यूज़ करना है। तो अब आपको यदि ग्रामरली बोलना है तो आपको हैड का यूज़ नहीं करना, यहाँ पर आपको यूज़ करना है ही डिड नॉट हैव मनी, इस तरह से। नेक्स्ट है आई बैग योर पर्डन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कई बार आप बोलते हैं ना सॉरी बोलते हैं, कोई गलती हो जाती है, तो आप इस लाइन को भी यूज कर सकते हैं, आई बैग योर पर्डन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। नेक्स्ट है व्हाट आर यू अपसेट अबाउट, यानी कि आप किस बात से परेशान हैं, व्हाट आर यू अपसेट अबाउट, अबाउट का मतलब है किसी चीज के लेकर या फिर किस चीज के बारे में, तो व्हाट आर यू अपसेट अबाउट, इस तरह से। नेक्स्ट है यू हैव बॉट मी टू शेम, तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया है, यू हैव बॉट मी टू शेम, तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया है। इसके बाद है वन हैज टू पास टाइम एनी हाउ, वन हैज टू पास टाइम एनी हाउ, समय व्यतीत करना ही पड़ता है, यानी कि समय बिताना ही पड़ता है, व्यतीत का मतलब है समय बिताना या फिर समय गुजारना, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वी विल ब्रेक बट नॉट बेंड, इसका मतलब है हम मर मिटेंगे पर झुकेंगे नहीं, बेंड का मतलब होता है झुकना, और ब्रेक का मतलब वैसे तो होता है कोई चीज़ ब्रेक कर देना, तोड़ देना, लेकिन यहाँ पर हम बहादुरी को दिखा रहे हैं अपने को, तो इसलिए हमें यूज़ करना है। मैंने आपको बोला था वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है, तो इसका मतलब है कि वी विल ब्रेक, हम मर मिटेंगे बट नॉट बेंड, पर झुकेंगे नहीं, इस तरह से। तो यहाँ से आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आया कि वी विल ब्रेक, यहाँ पर जो पहले है वो यूज किया है हमने किसका, फ्यूचर का, और उसके बाद लिखा है हमने प्रेजेंट का इंडेफिनेट। तो इसी तरह से जब दोनों सेंटेंसेज आपको ऐसे लगे कि वो फ्यूचर के हैं, फ्यूचर में बोलना चाहते हैं आप दोनों सेंटेंसेज को, लेकिन वो अलग अलग हैं, तो आप पहले को फ्यूचर में बोल सकते हैं और दूसरे को प्रेजेंट में बोल सकते हैं, इंडेफिनेट में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और आपको बता दूं ये ई बुक है, पीडीएफ है, कोई फिजिकल बुक नहीं है, आपके एड्रेस पर नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए इट डज नॉट बिहेव ए स्टूडेंट टू सिर्क वर्क, यानी कि काम से जी चुराना विद्यार्थी को शोभा नहीं देता, काम से जी चुराना विद्यार्थी को शोभा नहीं देता, तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट करोगे। नेक्स्ट है द एडवांटेजेस ऑफ दिस आर मैनी, इसका मतलब है कि कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि भाई उसके बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं, तो इसलिए इसका मतलब है इससे बहुत लाभ है या फिर इससे बहुत ज़्यादा लाभ है। द एडवांटेजेस ऑफ दिस आर मैनी, किसी वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में। नेक्स्ट है वट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश, यानी कि इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश, इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं या फिर इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपने फोकस किया कि हमने सेंटेंस में वी लिखा है, लेकिन इंग्लिश जो इसकी हिंदी बनेगी इसमें हमने कहीं पर भी हम का यूज़ नहीं किया, तो आप जरूरी नहीं है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करो, आप कुछ अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेवल को बढ़ाओ और तब इंग्लिश को बनाओ। नेक्स्ट देखिए यू हैव नो मैच, इसका मतलब है कि आपका जवाब नहीं, मतलब कई बार होता है ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका कोई जवाब नहीं होता, तो आप बोल सकते हैं यू हैव नो मैच, आपका कोई जवाब नहीं है, यानी कि आपकी बराबर में कोई नहीं है, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है माई माइंड इज रीलिंग, इसका मतलब है मेरा सिर चक्कर खा रहा है या फिर मेरा सिर चकरा रहा है, इस तरह से बोल सकते हैं आप जो भी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो नेक्स्ट है दिस डजेंट बिहेव यू, यह आपको शोभा नहीं देता, दिस डजेंट बिहेव यू, यह आपको शोभा नहीं देता, कई बार कुछ ऐसे गड़बड़ कर देते हो आप तो ये लाइन दूसरे बंदों को बोलनी पड़ जाती है आपके लिए कि दिस डजेंट बिहेव यू, यह आपको शोभा नहीं देता, तो ऐसे गंदे काम नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स, देखें वह कितने पानी में है। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी इंग्लिश में पानी का जो वाटर है उसका वर्ड का यूज हमने नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमने बना दिया हिंदी में, देखें वह कितने पानी में है, तो इसका मतलब है कि लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स,
कि चलो देखते हैं वह कहाँ खड़ा होता है या कहाँ खड़ा रहता है, इस तरह का जो इंग्लिश है उसकी हिंदी बनेगी। लेकिन ये क्या होती है, ये एक तरह से आपने हिंदी में पढ़े होंगे मुहावरे, लोक्तियाँ, तो इस तरह के वर्ड्स को यूज करके बनाई गई हैं। नेक्स्ट है, देर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज ब्रेन, उसके दिमाग के साथ कुछ खराब हो रहा है। इसका मतलब ये है उसके दिमाग में कुछ खराबी हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसके पुर्जे ढीले हो गए हैं दिमाग के, बट हम जो अपने हिसाब से बोलना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हो रहा है। इस तरह से आप इसको भी खाली यूज कर सकते हैं, देर इज समथिंग रॉन्ग, यहाँ तक भी आप यूज कर सकते हैं या चाहते हैं तो। लेकिन विद हिज ब्रेन यानी कि उसके दिमाग के साथ आप इसका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, आई शैल रीच बाई द 5:30 ट्रेन, यानी कि मैं 5:30 बजे वाली ट्रेन से पहुंचूंगा, इस तरह से बोल सकते हैं, आई शैल रीच बाई 5:30 ट्रेन। नेक्स्ट है, वी डू नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास, इसका मतलब है कि हम लोग फर्स्ट क्लास में सफ़र नहीं करते हैं, हम लोग फर्स्ट क्लास में सफ़र नहीं करते हैं, वी डू नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट है, इट इज़ ए मैटर ऑफ सोरो, इसका मतलब है यह दुख की बात है, इट इज़ ए मैटर ऑफ सोरो, यह दुख की बात है। नेक्स्ट देखिए, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, तो अब हम कभी नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे वो बहुत देर बाद बनाएंगे, क्योंकि अब मैं ग्रामर की वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। तो वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।